यूनिवर्सल बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी करेंगे। गेल ने सीजन खुद को ऑक्शन में रजिस्टर नहीं किया था, जिसके बाद हर कोई हैरान था। अब वेस्टइंडीज के इस खतरनाक बल्लेबाज ने इसके पीछे की वजहों का खुलासा किया। गेल की माने तो उनके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ और वो इज्जत नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। आपको बता दें कि गेल ने कहा कि पिछले कुछ साल से आईपीएल में मेरे साथ जैसा बर्ताव हुआ वो ठीक नहीं है। मुझे बुरा लगा, खेल और आईपीएल के लिए इतना कुछ करने के बाद भी मुझे वो सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। इस व्यवहार से खफा होकर ही मैंने खुद को ऑक्शन के लिए ड्राफ्ट नहीं किया था। क्रिस गेल की गिनती इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में होती है। टूर्नामेंट की शुरुआत यानी 2008 से लेकर अब तक उन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइजियों को अपनी सेवाएं दी। केकेआर से सफर का आगाज करने वाले इस खब्बू बल्लेबाज ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और फिर पंजाब किंग्स की ओर से दम दिखाया। गेल की पावर से हर कोई वाकिफ है, उनके बड़े शॉट खेलने की क्षमता जानता है। बावजूद इसके बीते कुछ सीजन से उन्हें हर मैच नहीं मिलते थे, वो प्लेइंग 11 की परमानेंट मेंबर नहीं रह गए थे। यूएई में हुए बीते सीजन के दूसरे हाफ में तो बायो बबल के चक्कर में उन्होंने टूर्नामेंट से हटने का फैसला ले लिया था। वेस्ट इंडीज के इस स्टार बल्लेबाज के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा 6 शतक का रिकॉर्ड है, 142 मैच में 4965 रन बना चुके हैं और गेल सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 7वें नंबर पर मौजूद है। अब देखने वाली बात ये हो जाएगी कि 2023 में यानी कि 16वें सीजन में क्रिस गेल कौन सी टीम के साथ अपना दमखम दिखाते हुए नजर आते हैं। खैर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपके इस वीडियो को लेकर कोई भी विचार हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।